हाय एवरीवन, दिस इज एंकर विक्रम और सेशन विद विक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ हैं काफ़ी खास मेहमान जिनका नाम है नवनीत कौर, जिन्होंने बहुत सारे टाइटल जीते हैं। मैं थोड़ा बहुत ज़रूर ब्रीफ करना चाहूँगा इनके बारे में। फर्स्ट टाइटल इज़ मिसेज इंडिया 2021, यूनिवर्सल क्वीन 2022, वुमेन ऑफ द ईयर 2021, मिसेज नॉर्थ इंडिया, एंड शी इज़ अ वेरी वेल नोन सोशल वर्कर एंड ऑल्सो रिकी हिलर। तो आपके सामने मिलवाएंगे मैम से आपको। तो मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच विक्रम एंड अंजानी टीवी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मुझे आज बहुत अच्छा लग रहा है इस सेशन में आके। थैंक यू। ओके मैम, तो मैम बातों का सिलसिला स्टार्ट करते हैं आज से, ठीक है? तो कुछ सवाल भी रहेंगे इस पूरे सेशन में, हम चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं पूरे। ओके नवनीत मैम, अब मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई इस फैशन इंडस्ट्री में। 2016 से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई, जब फर्स्ट टाइम मुझे अपॉर्चुनिटी मिली राइजिंग सन दुपट्टा के लिए फ़ोटोशूट के लिए। तब मेरा प्रोफेशनल फर्स्ट टाइम फ़ोटोशूट हुआ, जो कि प्रोफेशनली मैंने किया अमेज़ॉन के लिए, ऑनलाइन पोर्टल जो है वहाँ पर उनके दुपट्टाज आने थे तो उसके लिए मैंने किया। सेकंड मुझे अपॉर्चुनिटी मिली न्यूज़ 18 में, उनका पर्चा दर्ज है एक एपिसोड, उसमें मुझे 3-4 एपिसोड्स की अपॉर्चुनिटी मिली जहाँ पर मैंने अपना शूट किया और वहाँ पर मैंने एक्टिंग की। मैम जैसा मैं जान पा रहा हूँ आपके बारे में, यू आर अ वर्किंग प्रोफेशनल ऑल्सो, आपका खुद का एक बुटीक भी है, और किस तरह से आप मैनेज कर रहे हैं चीज़ को? जो मेरा वर्किंग बुटीक है वो मेरा ऑनलाइन है, लाइक कनाडा यूएसए में मेरे जाते हैं, मेरी फ्रेंड सर्कल है वहाँ पर, और दिल्ली में भी बहुत मेरे जाते हैं बुटीक से सूट्स। क्यूरी फैशन के नाम से मेरा ये बुटीक है जो कि मैं ऑनलाइन ही रन करती हूँ। मैम बहुत ही बढ़िया, मैम बहुत ही प्यारे लग रहे हैं आप इस क्राउन के अंदर, तो इसका राज क्या है, मतलब कौन सी चीज़ जो है आप अपने फिटनेस में ऐड करते हो जिससे ये खूबसूरती कायम है? सबसे पहले तो खुशी, आजकल जो खुशी है वो लोगों की ज़िंदगी में कम हो गई है, इसका मेन यही है कि मैं खुश रहना पसंद करती हूँ विद माई फैमिली। अगर फैमिली का सपोर्ट है, आपको उनका साथ मिलता है, तो आप बेसिकली खुशी रहेंगे अपनी लाइफ में, और ऊपर नीचे होता रहता है, बट आपको पॉजिटिव रहने के लिए ही आप अपने आप को सुंदर बना सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ नहीं है इसमें। राइट राइट, बहुत ही सही बात करिए। जैसा कहते हैं ना कि जो हैप्पीनेस है, हैप्पीनेस ही आपको एक फेस पे ग्लो देता है। बिल्कुल सही बात बोली। सेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब मैम से जानते हैं कि मैम आपकी क्या हॉबीज रहती हैं लाइफ में, और आप क्या चीज़ करना पसंद करते हो जब भी आपके पास कोई फ्री टाइम होता है? सबसे पहले तो मुझे कुकिंग का बहुत शौक है, मैं अपनी फैमिली के लिए कुकिंग करना बहुत पसंद है मुझे, मेरे बच्चों के लिए और हस्बैंड के लिए उनकी पसंद की डिशेस बनाना। तो उसके बाद सेकेंड मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है, तो ट्रैवलिंग के लिए आपको मैं ये बताऊं कि यूएस से लेके बैंकॉक और हिमाचल से लेके उत्तराखंड कुछ जगह हमने छोड़ी नहीं है जहाँ हमने ट्रैवल नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया। कोई ऐसी जर्नी हो जहाँ पर आपको बहुत ही मज़ा आया हो, एक ऐसा डेस्टिनेशन जहाँ पर आपने इन्जॉय किया काफ़ी ज़्यादा? बिल्कुल, हमने कल्पाकासा में बहुत इन्जॉय किया, तो हम अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे लास्ट ईयर, तो वहाँ पर हमने सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया। हम सिर्फ 2 कपल्स थे विदाउट किड्स, तो हमने बहुत मज़े किए वहाँ पर। ग्रेट। अच्छा मैम, कहते हैं आप कुकिंग अच्छी लगती है, मुझे क्या बना के खिलाओगे आज सेशन के बाद? बिल्कुल, आप जो चाहें वो खिलाऊंगी। कोई ऐसी चीज़ जो आपको पसंद हो? मुझे चाइनीज़ साउथ इंडियन ज़्यादा पसंद है, तो वो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। राइट, तो आई होप आपको भी अच्छा लगेगा। श्योर मैम, सेशन के बाद गाइस देखो जितने भी व्यूअर्स हैं, मुझे नहीं पता आपको मिलेगा नहीं, बट मैं तो खा के जाऊँगा घर पर जितना भी हो सके। और राइट, ठीक है मैम, सेशन को आगे बढ़ाते हैं, और मैं जानना चाहूँगा आप एक अच्छे रिकी हिलर भी हैं, तो यहाँ पे कैसे इंटरेस्ट आपका स्टार्ट हुआ ना? ये इंटरेस्ट एक्चुअली मेरे हस्बैंड के क्लीग हैं, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे रेकी होती है तो आप भी ट्राई कीजिए। एक्चुअली वो रेकी मास्टर हीलर हैं, तो उन्होंने ही मुझे गाइड किया, तो उनके बताए हुए कॉन्टैक्ट से मैंने कॉन्टैक्ट किया उनसे पर्सन से, तो फिर उसके बाद मुझे भी इंटरेस्ट आया इसमें। तो मुझे कुछ था कि ऐसे हीलिंग टाइप कुछ होता है रैकी, तो फिर मैंने इसकी थ्रू आउट स्टडी करी और अब मैं मास्टर हीलर हूँ और मैं प्रोफेशनली हीलिंग करती हूँ इसमें। और ये आपको पता है कि ये जैपनीज टेक्निक है, तो अपनी एनर्जीज को आप कलेक्टिवली करके आप दूसरों की हीलिंग करते हो। ओके, तो मैम इसके बारे में थोड़ा और जानना चाहूँगा क्योंकि हमारे व्यूअर्स जानना चाहेंगे क्या एग्जैक्टली होता है इसमें रैकी हीलिंग में। एक्चुअली ये यूनिवर्स की एनर्जी को आप कलेक्टिवली अपने अंदर कलेक्ट करके उससे आप हीलिंग करते हो। अपने चक्रास को आप बैलेंस करके, चार्ज करके उसको आप फिर दूसरों की हीलिंग के लिए यूज़ करते हो। आप अपने सिंबल्स जो हमारे होते हैं रैकी के स्पेशल, उससे आप कनेक्ट करके दूसरों की हीलिंग, एंजाइटी प्रॉब्लम, जो भी डिप्रेशन होती है उसको आप दूर करते हो। व्यूअर्स
मेरे को थोड़ा नॉलेज है चक्रस की, राइट। मैं थोड़ा बताना चाहूँगा आपको इसके बारे में। वी हैव 7 चक्र इन आवर बॉडी, जिनका हर एक चक्र का अपना एक अपना पावर होता है। तो जैसा मैम बता रहे हैं कि लोगों को आज बहुत स्ट्रेस होता है, तो एक अच्छा काम भी कर रहे हैं कि आज जितने भी लोग हैं वो स्ट्रेस पर रहें और जो भी प्रॉब्लम है उनकी वो लाइफ में। आजकल की लाइफ स्टाइल में सबसे ज़्यादा लोगों को टेंशन है, डिप्रेशन है, तो इन सब को दूर करना, ये मेरे एक सोशल वर्क में भी एक हिस्सा है मेरा, कि समाज के लिए कुछ मेरा भी योगदान हो, तो मैं जो भी नीडी पर्सन होता है उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट करती हूँ। ये रैके के लिए क्या बात है, ग्रेट। सबसे पहले तो मैं ही हूँ, मैं ही कराऊँगा इसके बाद। ठीक है मैम, दो चीज़ें हैं। पहली चीज़, आप मुझे कुछ बना के खिलाने वाले हैं, उसके बाद रैके हील भी करेंगे। श्योर श्योर श्योर। अभी मीत भाई भी देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, उनका भी थोड़ा कुछ हमें हील करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ से हम कट करते हैं, मीत भाई स्माइल भी। ओके मैम, शो को आगे बढ़ाते हैं। तो मेरा एक सवाल था आपसे कि जब आपने जर्नी स्टार्ट करी, तो मैं जानता हूँ कि बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, तो उस टाइम पर आपको किन्होंने सपोर्ट किया? सबसे पहले तो पता क्या, फैमिली का साथ होना बहुत ज़रूरी है, राइट। और उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, खुद में कॉन्फिडेंस आना, राइट। सबसे पहले मैंने सोचा कि जो मेरे कॉलेज टाइम, स्कूल टाइम का सपना था, मुझे मिस पंजाब बनना था, बट तब इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं थी, और पेरेंट्स भी बोल रहे थे कि स्टडी पहले फर्दर कर लो, उसके बाद ही करना, फिर उसके बाद जॉब करने लग गए, और फिर ये सपना सपना ही रह गया। और अब जब मैंने सोचा, बच्चे भी बड़े हो गए, अब अपने बारे में सोचना जब शुरू किया, तो मैंने ये सोचा कि अब अपने सपने को पूरा किया जाए। पहले खुद में कॉन्फिडेंस लाई कि हाँ, इस फील्ड में मैं कंफर्टेबल हूँ कि नहीं, और उसके बाद फिर फैमिली से बात करी, और फैमिली ने मुझे पूरा सपोर्ट किया। तो सबसे पहले मैंने हरदीप अरोड़ा का शो ज्वाइन किया, जो कि मेरे हस्बैंड ही लेकर आए मेरे लिए अपॉर्चुनिटी, कि ये तेरे लिए है तो इसमें जा। और वहाँ पर मुझे मिस रीटा गंगवानी मिले, और हरदीप अरोड़ा ने बहुत अच्छे सेशन लिए, जो कि आज तक मुझे मॉडलिंग लाइफ में मेरे काम आते हैं। एंड थैंक यू सो मच हरदीप अरोड़ा एंड रीटा गंगवानी फॉर दैट वंडरफुल सेशंस। ऑडियंस, अब एक जो मैसेज मैं देख पा रहा हूँ जो मैम ने दिया, कि जब हम अपने काम को अगर हम जोड़ दें पैशन के साथ, तो ना वो चीज़ बहुत ही स्मूथ वे में आपको आगे लेके जाती है। तो अनजाने टीवी के जितने भी ऑडियंस हैं, उनके लिए एक मैसेज जो मैम ने दिया, कि जब हम अपने काम को अपने पैशन से जोड़ देते हैं ना, तो वो चीज़ जो है काफ़ी उभर के आती है। तो जितने भी व्यूअर्स हैं, जो भी आपका पैशन है, बचपन से आपने कुछ भी सोचा हो, तो ज़रूर उसको कनेक्ट करें अपने काम के साथ, ज़रूर आपको फ़ायदा देगा। तो अब मैम, मैं जानना चाहूँगा कि आपका क्या मैसेज है यूथ के लिए और जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जाने टीवी के। सबसे पहले यूथ के लिए मेरा ये स्पेशल मैसेज है कि अपनी स्टडी पूरी करें, स्टडी के अलावा कुछ नहीं है लाइफ में। शिक्षा हमसे कुछ, कोई भी हमसे छीन नहीं सकता, वो लाइफ टाइम हमारे साथ रहनी है। और उसके बाद अपने जो ड्रीम्स हैं उसको फॉलो करो, जो अपने ड्रीम्स हैं उसको पूरा करो, और कॉन्फिडेंट रहो कि हमें ये करना है। अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लो, तभी हम अपने ड्रीम्स पूरे कर सकते हैं, और अपने लाइफ में एंजॉय करो और खुश हो। बिल्कुल बिल्कुल, कहते हैं एजुकेशन इज़ द वन ऑफ द फोरमोस्ट, कह सकते हो एक पार्ट है लाइफ का। तो ज़रूर अपनी पढ़ाई पूरी करें, और जैसा मैम ने बताया, बी कॉन्फिडेंट एंड स्टे पॉजिटिव। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त। व्यूअर्स ऑफ अनजाने टीवी, आज हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान नवनीत कौर, जिनको आपने पूरी जर्नी को देखा, तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। एंड स्टे ट्यून्ड विद एंकर विक्रम, और इसी इंटरव्यूज़ को और आगे बढ़ाएंगे, और नेक्स्ट सेशन मिलेंगे आपसे। एंड स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच, थैंक यू।